जब तक समोसे में आलू है तब तक बिहार में लालू है, इसीलिए जब तक जंगल में भालू है तब तक बिहार में लालू है। तुम्हारा टीवी का काम चालू है। मेरे रास्ते में किसी को मैं आने नहीं देता, मेरी सोच सुलझेली में समझाने नहीं। भाइयों बहनों, भाई बहनों, बिजली आई, बिजली मिली तो बिजली। अरे मोदी जी ठीक से बोलो नहीं तो नस फट जाएगा। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा क्या हम लोग? क्या बात है, 50 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़, 90 करोड़, कितना दे? अब विद्यार्थी परिषद का लड़का आगे बैठ के मोदी 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 15-15 लाख, 15.5 लाख सबको, आप लोग बैठे हुए हम लोग सबको 125 करोड़ भारतीयों को कहा था कि बैंक में रुपया नेता सबका है। अब मेरा भी नाम लिया था आरएसएस वाला कि सारे 29,000 लालू का है। मैंने क्या बात है, 2900 रुपया दे ना रे भाई निकाल। प्रश्न सवाल, तेजस्वी यादव आप शादी कब कर रहे हैं? आप प्रपोजल दीजिएगा तो हम लोग देखेंगे। आपको नहीं, मतलब कोई प्रपोजल आपके पास अगर आया हो तो हम लोग देखेंगे। चिराग पासवान जी आ रहे हैं, उनसे भी ये सवाल पूछेगा, वो बड़े हैं। अरे उनका शादी हो गया होता तो हम भी अपने मम्मी पापा को बोलते कि अब तो इनका हो गया, अब हम बचे हुए, मेरा भी करा दो। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अरे हाँ भाई हाँ, मुझे एक शेर आता है आपको देख करके, मोहब्बत में तुम्हें आंसू बहाने नहीं आता, अरह के बनारस में पान खाने नहीं आता। रुको जरा, सबर करो। मुझे लगता है उनके भाषण का जवाब तो मैं उन जैसे जुगाड़ू शेर में दे दूं तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उनको भाषा वही समझ में आती है। तो एक शेर मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ, उसी तर्ज पर जो तर्ज आपने ली थी। आपको गांठे खोलना नहीं आता और मस्खरी के अलावा कुछ बोलना नहीं। गजब बेइज्जती है। मोदी जी की बातों पर इसलिए कोई बात नहीं करना चाहते क्योंकि वो मुद्दे की बात नहीं करते। अच्छा। हम कहते हैं मोदी पे नहीं, मुद्दे पे बात होनी चाहिए। हाँ। मुद्दा क्या है जो उन्होंने वादा किया था? हाँ। 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में। हाँ। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी। हाँ। नोटबंदी में इतने, बल्कि रोजगार देना तो दूर की बात। हाँ। कितने लोगों की रोजगार छीनी गई है। हाँ। तो आप देखिएगा कि स्मार्ट सिटीज का क्या हुआ, बिहार के स्पेशल पैकेज का क्या हुआ, बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे का क्या हुआ। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो मुद्दों पे बात होनी चाहिए। आप उनसे मुद्दों की बात करोगे, कहते हैं राष्ट्रवाद और आतंकवाद मुद्दा। आप देखिए ना, क्या गरीब को पेट भरना राष्ट्रवाद नहीं है? क्या नौजवानों को रोजगार देना राष्ट्रवाद नहीं है? क्या किसानों की आय दुगुनी करना राष्ट्रवाद नहीं है? मोदी जी की जितनी राजनीति है सारी बनावटी, दिखावटी, सजावटी, यही है और कुछ नहीं है। मोदी जी जो है झूठ बोलने की फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर भी है और डिस्ट्रीब्यूटर भी है, होलसेलर भी है। हाँ, बन, नाक बन, खोटा खोटा बात बन, बनना है तो बाप बन। I will try to translate myself in English to here. हाँ, हाँ, पहले हिंदी में कह लेते हैं। सब कह रहे हैं कि हमने गजब का काम किया है, करोड़ों का मुनाफा हर एक शाम दिया है, फल सालों में अब देगा, पौधा जो लगाया है, सेवा का समर्पण का हमने फर्ज निभाया है। Everybody is appreciating कि I have done a tremendous work. Each and every year I have earned crores and crores every day, and they are saying Lalu Yadav has planted a fruit tree, and every year it is duty of mine to grow fruit tree. अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले, कोई नहीं देता ताली।
बीजेपी को भगाओ, देश को बचाओ। देश आज टुकड़े टुकड़े इन सांप्रदायिक शक्तियों ने, आरएसएस के लोगों ने करने का काम किया, मोदी जी ने करने का काम किया। आप समझो कि देश फट चुका है और देश को अभी तलवार की जरूरत नहीं, सुई की जरूरत है। और मान लो ये कपड़ा अगर फट जाए तो तलवार काम नहीं आएगा, लेकिन सुई काम आएगा, सुई काम आएगा। मोदी जी इतना झूठ बोलते हैं, इतना झूठ बोलते हैं। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं, होलसेलर भी हैं और डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं। मतलब बोलते हैं ना कि कोई सामान का प्रचार में आप लोग देखते हो ऐड मिलता होगा एक के बदले दस, तो मोदी जी एक झूठ बोलेंगे और दस झूठ मुफ्त में दे देते हैं। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर। हम अपने बिहार के लोगों से अपील करना चाहते हैं, जितने भी बिहार के लोग यहाँ उपस्थित हैं, पूरे बंगाल में आप लोग समझ जाइए, बिहार के लोग, आप लोग जितने लोग हो, मोदी जी ने आप लोगों को धोखा देने का काम किया है, विशेष राज का दर्जा नहीं दिया। बिहार की बोली लगाई थी 70,000 करोड़ दू की 80,000 करोड़ दू, लो 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देता हूँ। हम सब लोगों को ठगने का काम किया है और बिहार के लोग तो उड़ती चिड़िया को हल्दी जल लगाना जानते हैं। इसलिए मोदी जी से आप लोग यहाँ बदला लेने का काम करें और जो मोदी जी को हराएगा आप सब लोग मिलजुल करके उनका साथ देने का काम करें। मां चोक दिए भैया जी आप तो। हमारा ही केवल एक परिवार होगा जिसने जिसपे लगातार सीबीआई ईडी इनकम टैक्स के छापे पड़ते रहे, हमने स्थिति देखी है। ठीक है, और अब तो कुछ देख देख करके तो ऐसा लगता कि अब तो हम बोलते भाई सीबीआई ईडी को आप मेरे घर पे दफ्तर खोल लो ना, आगे हो सकता है कुछ ना करें, इंजाम मत लगाना। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। शिक्षक से पहले थग्स देखा, टिफिन बॉक्स से पहले मैंने ड्रग्स देखा। ये इनका भय कि जादुओं को फोड़ो, जादुओं को फोड़ो, जादू फूटे वाला है वो, जादुओं के बेवकूफ समझता है। जादू लोगों जब भैंस नहीं पटक सकी तो नरेंद्र मोदी पटक देगा। गंगा माँ को धोखा, बनारस में जाके पूछो बुनकरों का हाल। बोला था कि जापान में कोई शहर है, कोई टोयोटा की क्या हाँ, बोला कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। लालू को स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, स्मार्ट गांव चाहिए। If you like the video, do like, share and subscribe to Billotalks. Thanks for watching.